नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और हमारी प्रेडिक्शन वीडियो आ चुकी है यहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के पहले टेस्ट मैच के साथ। क्रिकेट की हो रही है वापसी, कोरोना ने सारे प्लान कर दिए थे बर्बाद, लेकिन अब हम फिर से खड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं वापसी की हर जगह, हर एरिया में, हर चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो या हर कोई भी दुनिया का कोई भी क्षेत्र। लेकिन इस वक्त रिकॉर्डिंग के वक्त डे वन की शुरुआत नहीं हुई है, बारिश ने या नुकसान पहुंचा, एटलीस्ट टॉस का भी आइडिया नहीं कि कौन है क्या है। लेकिन हमारे गेम प्ले में या डे टू की हो गई है शुरुआत, 37 रन से वेस्ट इंडीज आगे है, 7 विकेट इनके जमा है। देखते हैं हम गेम प्ले को यहाँ पर कहाँ से किस मोड़ पे ले जाते हैं डे टू के एंड तक। मैच का पहला गेंद, फिर बढ़ेंगे ऑटो प्ले की तरफ। ग्राउंड काफी यहाँ पे अजीब है, क्राउड देख सकते हैं, मैंने हटा दिए गए हैं क्राउड को क्योंकि भाई कोरोना की वजह से दूसरे दिन को मैंने अलर्ट घोषित किया है। तो पहले सेशन के आखिरी 10 ओवर यहाँ पे बाकी हैं और 236 पे 4 वेस्ट इंडीज अपनी जगह और मजबूत बनाता हुआ इस मैच में लीड को और आगे ले गया। इस समय जो खिलाड़ी खेल रहे हैं जर्मन ब्लैकवुड यहाँ पे खेल रहे हैं जो कि अभी अभी आए हैं, कोई खाता नहीं खुला है। रोशन चेज 26 पे खेल रहे हैं, 78 की बढ़िया पारी खेल के आउट हुए सरमार ब्रुक्स और 85 जॉन कैंपल ने कल के दिन के 41 आई होप की भी अच्छी इनिंग रही है। गेंदबाजी में यहाँ पे 2 विकेट एंडरसन, 1 ब्रॉड, 1 स्टॉक्स को 60 से लेके 70 का हिस्सा यहाँ पे होगी शुरुआत। क्राउड के बिना काफी अधूरा लग रहा है ये जो सीरीज है। मैंने कल ही कहा था कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी विकेट मिल सकती थी, रन भी निकाला है, वो थोड़ा मैं सरप्राइज हूँ। इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में इतना स्ट्रगल करेगा ये नहीं सोचा था। और ये लीजिए मैच का पहला चौका एज के साथ लगता हुआ। स्टुअर्ट ब्रॉड 12 ओवर कर रहे हैं, 4 गेंदे, इस बार लेट कट गैप में खेला है, थर्ड मैन पे कोई फील्डर नहीं, फायदा मिला है उसका और 4 एक बार फिर जाता हुआ। इंग्लैंड के हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं इस मैच में और ऊपर से एजिस का यहाँ पे कुछ ठिकाना नहीं है। 4 रन बैक टू बैक, 3 चौके इस ओवर से। जेम्स एंडरसन, जिसको हमारे चैनल पे क्लाउडरसन भी कहते हैं लोग, यहाँ पे कोशिश की, आउट स्विंग की, रूम किया है, बढ़िया फील्डिंग एफर्ट देखने को मिला है गली में। लेग साइड को जनरली खराब माना जाता है इस गेम में, लेकिन हमने गेंद वही की है, ग्लव्स पैड में भर गई थी, फंस गई थी, लेकिन कोशिश जारी रह रही अगले ओवर में। अपर एजिस को कैसे रोका जाए, कोरोना के कारण चारों तरफ ग्राउंड में यहाँ पे देख सकते हैं कि लगाए गए सैनिटाइजर, जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे स्क्रीन पे। बढ़िया अटेम्प्ट अभी के लिए, क्या जरूरत थी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ओवर कर दिया है। क्राउड के बिना लगता है बल्लेबाज अपना फॉर्म दिखा नहीं पा रहे हैं, हौसला नहीं बढ़ पा रहा है इनका। तो ओवर यहाँ पर क्राउड नहीं है, लेकिन व्यवस्था की है ईसीबी ने, माइक लगाए, देखिए क्राउड की आवाज आ रही है कहीं ना कहीं से। बैकवर्ड एक बार फिर सामना कर रहे हैं, निकल गई है उनके गैप से बैट और पैड के। एजिस तो अभी तक बहुत लग चुकी है, लेकिन उस एजिस का तभी मतलब होगा जब आप उसे विकेट में कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि अभी तक सारी वो एजिस 4 गई हैं, या फील्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। थ्रो थोड़ा सा गलत फेंक दिया हमने कीपर की तरफ, पर 2 रन आते हुए। अगर आप नजर करेंगे यहाँ पे गेंद की तरफ तो पूरा पुराना हो गया, देख सकते हैं साइन पूरी खो चुका है, पर एजिस कप्तान की चिंता बढ़ रही है सीरीज की। बात इस बार हम लोग गेंद ही जान बुझे लेग साइड कर रहे हैं क्योंकि सारी गेंदें इनकी एज चली जा रही हैं। बढ़िया फील्डिंग आज के मैच में, ये नोटिस किया गया है कि एजिस जो लग रही है, अपील कर रहा हूँ, पैड तो लगा है लगभग, लेकिन हाँ नॉट आउट दिया है, मुझे लगा आउट दिया। आज के दिन के 74 ओवर्स बाकी है यहाँ पे और ये कॉर शॉट 4 के लिए जाता हुआ, पुश किया था गेंद को, रूम दिया। रोशन चेज बढ़िया खेल रहे हैं अभी तक, क्रॉस बैट, लेकिन ये कल के दिन हमने देखा था कई बार 4 गया था और अभी के लिए 4 नहीं गया है। ये थोड़ी पुरानी हो गई, इसलिए थोड़ा सा स्पीड भी खो दी है इस आउटफील्ड में, इतना आसान है नहीं, डे टू की फील्ड हो रही है। इस ओवर में ऑलरेडी 6 रन आ चुके हैं और यहाँ पे शायद कैच का मौका है। मैंने स्टॉक्स कप्तान यहाँ पे गेंद के नीचे और कैरी किया है, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है और एम्पायर के इशारे का इंतजार पूरा होता हुआ ये विकेट, पहला दिन का विकेट मिला है एंडरसन के नाम। ये है वो विकेट, यॉर्कर लेंथ गेंद, मेरे ख्याल से बैट एंड पैड हुई है, लेकिन पैरों से उछल भी गई है। ये देखिए थोड़ा अजीब लगा था, देखिए एक साइन है, एक तरफ गेंद की साइन है, दूसरी तरफ से पूरा रफ हो गया है गेंद, इसीलिए एजिस भी बहुत लग रही है क्योंकि मूवमेंट ले रहा है गेंद हर बार। जो भी है रोशन चेज यहाँ आउट हुए 44 पे 90 गेंदों में। नए खिलाड़ी सैंड डॉरिच 29 का एवरेज, 46 स्ट्राइक रेट, बढ़ते हुए स्टैंडर्ड गेंद के साथ गैप में है, रोकना बहुत मुश्किल होगा और यही हुआ है 4 रन नए ओवर की शुरुआत। डॉरिच पहली बार सामना कर रहे हैं आर्चर का और 67 मीटर लंबा छक्का। 3 गेंदें यहाँ बैक टू बैक डॉट जा चुकी हैं, स्ट्रेट शॉट, अब ये भी 4 जा रहा है। 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट को और मजबूत करते हुए 7 में पहुंच गए 11 पे।
बहुत ही बढ़िया शुरुआत रॉस्टन के नए खिलाड़ी के लिए। टॉरिस सामना कर रहे हैं एक बार फिर अगली गेंद, इस बार पूरी समझ से परे है ये गेंद इनके लिए। कंफ्यूजन यह है ऑफसाइड में, एजिस बहुत लग रही है, ये क्या है क्रॉस खेलने का है परिणाम, लेकिन नहीं सरप्राइज हूँ थोड़ा, DRS लेने की सोच तो रहा हूँ। देखा जा रहा है यहाँ पर इम्पैक्ट का ही डर है बस। अरे विकेट एम्पायर कॉल जा रहा है, लेकिन नॉट आउट आएंगे यहाँ पे, नॉट आउट। स्पीड में किया है चेंज, फायदा यहाँ नहीं नुकसान हुआ है। पहली जहाँ तीन गेंदों पे एक भी रन नहीं थे, यहाँ एक चौका आता हुआ। इस गेंद के साथ होगी समाप्ति पहले सेशन की। गली में खेला है, गैप में खेलना चाहते थे चार के लिए। यहाँ पर ओवर्स का थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, हमने एक्चुअली मिडल के 10 ओवर्स खेले हैं। पहला सेशन यहाँ समाप्त होता हुआ 336 पे 7 पे है वेस्ट इंडीज। मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया कंडीशन में, जहाँ 165 पे ऑल आउट हुआ था इंग्लैंड और आपने 336 लगा दिए हैं, तो इनफ स्कोर लग रहा है। कोशिश करेंगे 350-380 के आसपास पहुंचने की। इस समय जो खेल रहे हैं शेन डॉरिच और रंकी और रहकीम कॉनवेल, हम लोग पहले के 10 ओवर कर रहे हैं दूसरे सेशन में। दूसरा सेशन की होगी शुरुआत स्पिनर्स के साथ, इस बार डॉट गेंद। इस बार जो पिछली गेंद शॉर्ट पिच थी इसे गुड लेंथ पे खिलाया है, गैप में जा रहा है शॉट, डीप के फील्डर पे डिपेंड होगा कैरी कर पाते हैं या नहीं यहाँ पर, लेकिन दो से नहीं रोक पाएंगे। बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं स्पिनर्स के साथ, 40s में बैटिंग करते हुए डॉरिज 47 गेंदों में किया, ये और खास बात है क्योंकि तेज खेल रहे हैं और इसी के साथ 44 पे पहुंचते हुए। डॉरिज से जहां हमने उम्मीद की थी अग्रेशन वाली बैटिंग की, यहां पर ये लीजिए इच्छा पूरी करते हुए चार गेंदे आराम से खेली, आखिरी पे मार दिया चौका। कोशिश है टॉप स्पिन की और डिफेंस एक बार फिर, कॉनवेल यहां पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। डॉरिश वहां पे थोड़ा तेज खेल रहे थे, लेकिन अभी अटेम्प्ट हो रहा है मैडन का इस बार और सफल नहीं हुआ है। सिंगल दो का चांस नहीं बनेगा और बहुत डिफेंसिव एक रन आया सिर्फ ओवर से। लास्ट गेंद पे लिया था सिंगल स्ट्राइक कंटिन्यू करते हुए कॉनवेल, पहला ही शॉट गैप में जहां पर देके जाएगा चार रन, 20 में पहुंचते हुए 20s में अपनी इनिंग को ले जाते हुए। दो तेज यॉर्कर के बाद एक स्लोअर रखा है और ये बोल्ड, बहुत बढ़िया दिमाग। पहले तो अटेम्प्ट किया कि सारी गेंदें खेलें, हम दो ओवर से अटेम्प्ट कर रहे हैं कि ये सारी गेंदें खेलें। यॉर्कर्स डाल रहे थे, मिडल पे डाल रहे थे, खेलने के अलावा कोई रास्ता था नहीं। इस बार स्लो कर दी थी, बल्ला पहले ही चला गया आगे और ये रीजन बना है कि रहकीम कॉर्नवाल यहाँ पे बोल्ड बनते हुए चौका आर्चर की गेंद में। कैमर रोच आते हुए राइट हैंड बैट्समैन, डॉरिश का बल्ला पिछले 3 ओवर से काफी खामोश है, लेकिन यहाँ पे मिड विकेट के हिस्से पे पुश कर दिया है गेंद को। ब्रॉड पीछे है लेकिन पैर अंदर चला गया है, चार दे दिए और इसी के साथ डॉरिश जाते हुए 50 के पार, 54 में 52, 96 स्ट्राइक रेट, इंप्रेसिव। इस बार टॉप स्पिन स्टंप्स के अंदर रहे तो ज्यादा बेहतर है। फील्डर्स को लगी है चोट पर ओके का इशारा किया है। डॉरिश सामना करते हुए सेट बैट्समैन है और ये लीजिए अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठा रहे हैं। इस पिच पे उनकी आई सेट हो चुकी होगी यहाँ तक। कॉर्नवॉल के सामने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो यहाँ सफल नहीं होती हुई, लेकिन ये क्या हुआ है, अपील मैं कर रहा हूँ एक बार, मुझे काफी ऐसा एज लगा है भयंकर वाला। इस बार ऑफ साइड पे रूम, बढ़िया फील्डिंग है, फील्डर की बहुत मेहनत हुई है गली की। डॉरिश के सामने साइड में चेन नहीं कोई और गैप में जाता हुआ शॉट, स्क्वायर का हिस्सा है, आसान नहीं है गैप में खेलना, फील्डर की पूरी कोशिश लेकिन रोक नहीं पाएंगे। कोशिश करनी होगी किसी का भी विकेट मिले अभी तो है, और ये गेंद नीचे रही है, उम्मीद से नीचे रही है क्योंकि क्रॉस सीम थी, सीधा रीजन है, नॉट आउट आएगा, एम्पायर का बाउंस था। इसने सारी की सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं इस ओवर्स में, ये लीजिए ये लेकिन फ्लॉप होती हुई, चौका चला गया है, ओवर की समाप्त। मैडन का एक बार फिर मौका मिला है, ऑफ स्पिन और दूसरा के बीच में की थी ओवर, जी हाँ मैडन जाता हुआ। यहाँ पे आखिरी ओवर हमारे इस सेशन का, दूसरे सेशन का और छक्के से शुरुआत। हमारे प्रेडिक्शन वीडियो का ये दूसरा सेशन होगा समाप्त डॉट के साथ, 10 ओवर का जो हिस्सा होता है। ओटोप्ले की तरफ बढ़ेंगे हम, देखते हैं क्या करता है वेस्ट इंडीज। ई की ओवर खेल पाया है सिर्फ, अगले ही ओवर में बेस्ट ने सारे विकेट ले लिए हैं और 378 पे वेस्ट इंडीज हुआ है ऑल आउट। अगर टोटल स्कोर अगर देखें तो 3 विकेट आया एंडरसन, ब्रॉड और 2 आया बेस्ट को, आर्चर स्टॉक्स को मिले एक विकेट। ओवरऑल 213 की लीड मिल चुकी है इंग्लैंड को। अभी यहाँ पे मैं 19 ओवर समझ लो ये सेशन पूरा का पूरा ऑटो प्ले करने वाला हूँ दूसरा, उम्मीद करता हूँ इंग्लैंड कोई गलती ना करे इन ओवर्स में। और 213 की लीड है अभी, रॉरी बंस आएंगे पहली गेंद हम खेलेंगे यहाँ पर, साथ दे रहे हैं सिबले, गेंदबाजी में कैमर रोच, डिफेंस क्योंकि हम पे दबाव है। अब ऑटो प्ले
आखिरी सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग और इंग्लैंड की हालात काफी खराब। यहाँ पे 74 पे 3 गंवा दिए हैं। बैटिंग कर रहे हैं डोमिनिक सिबली और जो डेन ली 139 रन की अभी भी लीड बाकी है। उसके बाद हमें फाइनल चेज देना होगा टारगेट। मैं अभी के लिए पहले 10 ओवर बैटिंग कर रहा हूँ। जो डेन ली और बेन स्टॉक्स पहली गेंद, ग्राउंड छोटा है, रन आउट का तो रिस्क रहेगा ही रहेगा, साथ में चौके आसानी से लगेंगे। ये ग्राउंड इतना यूनिक है कि भाई आप इस पे भरपूर रन बना सकते हो और रनिंग में रनआउट के चांस भी बहुत ज्यादा है, खासकर शॉर्ट रनिंग जब आप करते हो नजदीक की जगहों से, जब आप चार निकालने की कोशिश, सिंगल की कोशिश, जैसी गेंद आ रही है आप उसी तरह से खेलिए, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। बेन स्टॉक्स और बहुत दूर गेंद, काफी दूर, वाइड देंगे, सीधा सीधा है। बेन स्टॉक्स ने पिछले ओवर में बाउंड्रियां लगाई थी, इस बार जी लीजिए ये हमारी इच्छा पूरी करते हुए। 4 से रोकना बहुत मुश्किल, जी हाँ सफल हुए बल्लेबाज। गैब्रियल यहाँ पे 7 दे चुके हैं ऑलरेडी, फ्लिक शॉट हमारा फेवरेट बनता हुआ इस टेस्ट मैच में, एक और 4 दे के जाएगा स्टॉक्स को। लास्ट टाइम मेरे से यही गलती हुई थी, मैं पिच के भरोसे ना रह के अपने स्टाइल से ही खेल रहा था जबकि मुझे इस ग्राउंड के हिसाब से खेलना चाहिए था। इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे, खेलेंगे एग्रेशन से भी और वही फायदा मिलता हुआ चौका एक बार फिर मिलेगा। सारी गेंदें लेग साइड पे आ रही हैं, आराम से खेल रहे हैं बेन स्टॉक्स, टिकड़ी के बाद एक 4 चौकों का चौकड़ा लगा। बेन स्टॉक्स अभी भी समझ नहीं आया है, लेकिन एक और लेना चाह रहा हूँ, रनिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए। बेन स्टॉक्स खतरे की साइड होंगे, डाइव लगा के पूरा किया है, बहुत क्लोज मौका, एक समय लगा कि शायद गलती हो गई रन दौड़ा के, लेकिन सेफ है। जॉर्डनली और नहीं, इनकी आज किस्मत ही साथ नहीं दे रही, ओवर थ्रो मिल रहा है यहाँ पे, ये उतनी बात नहीं बनी जितना बेन स्टॉक्स के साथ मैं बेहतर खेल रहा हूँ उतना नहीं खेल पा रहा जॉर्डनली के साथ। लाइन लेंथ का फर्क है, अगर राउंड द विकेट आए लेफ्टी के सामने तो ज्यादा बेहतर होगी गेंदबाजी। कैमर रोच की यहाँ 50 की पार्टनरशिप पूरी होती हुई, फील्डिंग में बदलाव किया है, स्लिप पे फोकस किया गया है, हमने स्ट्रेट को चुना है, लेकिन चौका जाएगा इस बार टैनली के बल्ले से। शायद इसमें 28, अभी भी कुछ बहुत खास, लेकिन धीरे 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 पिच के साथ हमारा परफॉर्मेंस बदलता हुआ, जो डेनली के बल्ले से निकला है शानदार 4। गैब्रियल लास्ट टाइम सामना हो नहीं पाया था इन दोनों का और इस बार बीट होते हुए बेन स्टॉक्स ने खेली थी सारी गेंदें। ये तो सीधी बात है, आप अगर स्टंप्स के नजदीक रखोगे तो आप बेहतर गेंदबाजी करोगे, दूर रखोगे इस तरह की फील्डिंग में जहां पॉइंट्स है ही नहीं, कोई मतलब नहीं रहता दूर रखने का। 4 रन, बल्लेबाज गलती करेगा तभी इस तरह की गेंदों में आउट होंगे। हमें अभी भी यहाँ पे 6 ओवर सर्वाइव करनी है और डेफिनेटली मैं डिफेंसिव खेलना चाहूंगा गेंदों पे जो लग रही है मुश्किल। मैच की कई बार ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पे आपको समझ के खेलना होता है, ये वही हाल है और बार बार बचते हुए क्लोज मौका, इस बार रनआउट का था, लेकिन गैब्रियल को लिया है यहाँ पे, साइड चेंज करके कर रहे हैं, फर्क देखिए पहली गेंद पे दिखाया है, ये चीज इन्हें पहले करनी चाहिए थी लेफ्टी के सामने। बेन स्टॉक्स थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी इनकी, इस छोटे ग्राउंड में मैं मानता हूँ फील्डिंग बहुत अच्छी, जाने दिया है और गेंद चली गई है, मैंने भी जाने दिया, कीपर ने भी जाने दिया, सब ने जाने ही दिए गेंद, अंपायर ने भी बोला है जाने दो। 4 देके गई है बाइक, पिछली वाली फील्डिंग बेहतर थी, यहाँ पे पॉइंट ओपन करना मेरे ख्याल से गलती है थोड़ी बहुत, आउटफील्ड मदद करेगी तो ही रुकेगा 4, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इस बार दे दिया 4 44। मान लीजिए अगर यहाँ भी हम विकेट नहीं खोते, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट होगा बाकी के साथी प्लेयर्स का भी खेलना, एक बड़ी लीड अभी भी बाकी है। चौका, अगर वेस्ट इंडियन कप्तान जितनी जल्दी हो सकता है अगर दो तरफ से स्पिनर ला सकते हैं तो ला देना चाहिए मेरे ख्याल से, इस मैच को अगर मुश्किल बनाना है इंग्लैंड के लिए। गैब्रियल कंटिन्यू करते हुए, लग रहा है कि डेनली अब पहले पहुंच जाएंगे 50 पे, क्योंकि पिछली बार बेचारे बेन स्टॉक्स ने सारी स्पिनर की ओवर खेली और चौका लगा भी है डेनली की तरफ से, 48 पे पहुंचते हुए 2 रन दूर 50 से। बाउंसर्स और शॉर्ट पिच से बचना होगा, शॉट अटेम्प्ट तो किया है, बॉलर की तरफ फिर से रिस्क है, लेकिन नहीं, 50 पूरे यहाँ पर बेन स्टॉक्स ने पहले कर लिया डेनली से, दोनों में आगे पीछे हो रहा था, लेकिन अंत में स्टॉक्स आगे निकल गए। कब गेंदें खेली है डेनली, अरे डिफेंस करके मैं रन दौड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है क्रिकेट 19 में कि मैं डिफेंस में एज आउट हुआ हूँ, ये हार के करीब ले जा सकता है, ऑल आउट भी हो सकती है आज के दिन इंग्लैंड, 2 दिन में भी हार सकती है, अब तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, इतना अनएक्सपेक्टेड हुआ है मैच।
और जोस बटलर को आना पड़ा। बैटिंग में चेंज हुआ है, ओलीपॉप को नीचे रखा है। बेन स्टॉक्स के ही सिर्फ अभी 50 लगे इस मैच में, चौका लग रहा है लेकिन वो डिफेंस करना भारी पड़ गया हमें, सोच हमारी सही। बेन स्टॉक्स, सीधी सी बात है कि बैटिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी सी गिरावट आई है क्योंकि गेंदबाजी बेहतर हो रही है। गैब्रियल ने 4 ओवर में 49 रन दिए लेकिन जो विकेट निकाल लिया वो गेम चेंजिंग हुआ क्योंकि इंग्लैंड के पास विकेट गंवाने के लिए है ही नहीं अब, और टारगेट बढ़ा है 55-53 अभी भी पीछे। बटलर बॉल टू बॉल, 5 में 5, गैप में खेला है, रूम दिया है पॉइंट के ऊपर से, फील्डर है ही नहीं, 4 आसानी से। आज के गेम प्ले के आखिरी 4 गेंदे यहाँ पर आती हुई, डॉट और यॉर्कर लेंथ, वो भी वेस्ट इंडीज के पास अभी रिस्क लेने के लिए बहुत से मौके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रन आउट हो सकते थे हम लोग 2 बार लेकिन फिर वापस भेजा है, यहाँ पर 9 बॉल थी, ओवरथ्रो का मौका था रन आउट का, मिस किया है अभी के लिए। तो आज के प्रेडिक्शन वीडियो की ये है आखिरी गेंद, नहीं ऐसा नहीं, अभी 9 बॉल डाल दिया है हमने तो भाई, खेल लिया समझ लो ये ओवर, लेकिन ओटे प्ले में क्या होगा, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आखिरी ओवर में यहाँ 2-2 9 बॉल डाल दिए, जी नहीं अभी 2 नहीं, यहाँ 3 डाल दिए, मैं 2 ले रहा हूँ, थ्रो बॉलर की तरफ है तो सेफ है हम लोग, बढ़िया डायरेक्ट लगाए वो भी बच गए, अगर रन में थोड़ी बहुत आगे पीछे करते तो आउट होते। ये 9 बॉल अकेले 10 रन दे के गई है इंग्लैंड को, लीड कम होती हुई 2 नहीं 1, हाँ, और इसी के साथ हमारा ऑटो प्ले का हिस्सा आएगा और फिर लेंगे हम विदा। जी हाँ, यहाँ पे सर्वाइव कर गया इंग्लैंड, 265 पे 5 स्कोर बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेन स्टॉक्स जल्दी आउट हो गए लेकिन जोस बटलर ने ओली पॉप के साथ मिलकर इनिंग को सेटल किया है। यहाँ पे 5 विकेट बचे हुए हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास, मेरे पास मौका होगा 30 ओवर खेलने का और वो गेम चेंजिंग होगा। विकेट कम गंवाने हैं, रन ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं। एक बात हमें पता लग गई कि वेस्ट इंडीज विकेट खोता नहीं है, इस ये छोटा ग्राउंड है, मतलब मेरे ख्याल से 250 नहीं, चौथी इनिंग है तो कम से कम मेरे ख्याल से 300 तो देने होंगे, 300 तो मैं एवरेज रख रहा हूँ, 300 का टारगेट देना होगा। बैटिंग कार्ड आपके सामने, गेंदबाजी पे नजर करें, 3 निकाले कैमर रॉस ने, एक बार फिर दिखाया है क्यों वेस्ट इंडीज के वो सबसे घातक गेंदबाजों में से एक है। जेसन होल्डर कप्तान, 1, गैब्रियल को 1 मिलता हुआ, और ओवरऑल ये हाल रहा है डे 2 के एंड का, देख सकते हैं ऊपर की तरफ डे 3 आ चुका है। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा, जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार लाइक शेयर वीडियो पे करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।